वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालेहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालेहीन ऑफिशियल نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رمضان المبارك کی 26वीं तारीख का बहुत पुरतासीर एक अमल बता रहा हूँ। अगर आप ये अमल 26 रमज़ान को कर लें, अल्लाह आपके एक आयत की वजह से जिंदगी में जितनी बंदिशें हैं, रकावटें हैं, जादू है, कोई भी नजर है, जिन्नाती वार है, वो गिरें खुलती जाएंगी। आप इस आयत को पढ़ते जाएंगे, वो गिरें खुलती जाएंगी। और आपने सिर्फ इसको पढ़ते हुए तवज्जो रखनी है कि आपके जिंदगी के जो मसाइल हैं वो हल हो, वो कोई भी मसाइल हैं। और इंशाअल्लाह आप पे कोई जादू है, कोई नजर है, कोई आप पे जिन्नात का वार है, या आप पे कोई बीमारी है, या कोई भी रुकावट है, इंशाअल्लाह इससे वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी। याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला इंसान को नवाजना चाहते हैं, देना चाहते हैं, और अल्लाह ताला खुद जो है वो इंसान से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अल्लाह चाहता यह है कि मेरा बंदा मेरे दर से मांगे और कभी खाली नहीं जाएगा। चूंकि कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया वअम्मस्साइला फलातन के साइल को झड़कना नहीं है, यानी खाली नहीं भेजना। अब जो झड़केगा वो खाली ही भेजेगा। तो इसलिए अल्लाह जब खुद कह रहा है कि साइल को खाली नहीं भेजना, तो खुद अल्लाह हमें खाली कैसे भेज दे? अल्लाह हमारी फरियाद ना सुने, ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह सुनता है, अलीम बिज़ाति सुदूर है और समी और बसीर है। लेकिन ये याद रखें यकीन के साथ, जब आप ये आयते करीमा पढ़ेंगे तो अल्लाह आपसे वो तमाम रुकावटें खोल देगा जो आपकी जिंदगी को अजीरन बनाए हुए हैं। लोग कहते हैं शादी हो नहीं पा रही, औलाद नहीं हो रही, या रिश्ते नहीं हो रहे बच्चों के, या टूट रहे हैं, या कोई राजी नहीं हो रहा, या काम हो के बिल्कुल जकड़े जाते हैं, रुक जाते हैं, जिस्म मफलूज हुआ हुआ है, बीमारी अटैक करती जा रही है और जादू शदीद होता जा रहा है, जिन्नात बार बार वार कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसी आयत बता रहा हूँ कि अगर आपने इस आयत करीमा को सही तरह से पढ़ लिया तो अल्लाह तबारक व तआला जो है आपके जिस्म से, आपकी जात से तमाम बीमारियां, तमाम परेशानियां वो खत्म कर देगा। और आपको अल्लाह तबारक व तआला जो है कुरान पाक का पूरा नूर अता फरमाएगा। अब वो आयते करीमा तो बड़ी मुख्तसर है, सूरह इब्राहिम की लास्ट आयत हाजा बलागुल लिन्नास वलियुनज़िरु। अब देखिए हाजा बलागुल लिन्नास, आपने इस पूरी आयत को मुकम्मल पढ़ना है और इसको आपने 41 बार पढ़ना है, और 41 बार पढ़ के आपने दुआ करनी है और तसव्वुर में अपने तमाम परेशानियों को रखना है। और जब आप सूरह इब्राहिम की ये लास्ट आयत को 41 टाइम पढ़ेंगे और दुआ करेंगे और उसके बाद इसको पानी पे दम करके पी लें, जिस को पिलाएंगे अल्लाह तबारक व ताला उनको बंदिशों से, रुकावटों से, जादू से, जिन्नात से, इन तमाम के वार से बचा लेगा। और अल्लाह तबारक व ताला जो है उनको इन परेशानियों से निकाल कर राहत की तरफ ले आएगा। तो इसलिए ये कुरान पाक की लास्ट आयत जो है, ये मुफस्सरीन फरमाते हैं अगर कुरान का कोई नाम होता तो ये आयत होती हाजा बलागुल लिन्नास, क्योंकि ये टाइटल है इसका, ये कुरान पाक का टाइटल है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके अंदर पूरे कुरान पाक का मकसद बयान किया है आने का। तो इसलिए जिन्नात और जादू नजर इससे खत्म होते हैं। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।